पुलिस द्वारा पानीपत मॉडल टाउन एरिया में नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस जवान को एक कार रोकना महंगा पड़ गया। गौरतलब है कि मॉडल टाउन के 8 मरला एरिया में नाका लगाकर पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तो अचानक आई एक तेज रफ्तार कार को जब ट्रैफिक कर्मी ने रुकवाने की कोशिश की तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को तेज गति से दौड़ा लिया, जिसमें पुलिस के जवान ने गाड़ी के बोनट पर आकर कार को रुकवाने की कोशिश की, मगर कार चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय उसे और तेज स्पीड से दौड़ा लिया और कार करीब 200 मीटर की दूरी तक पुलिस जवान को घसीटते हुए ले गई और थोड़ी दूर जाने के बाद कार चालक ट्रैफिक कर्मी को सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गया। इस हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। इतना ही नहीं, इसी बीच एक ई रिक्शा चालक भी इस तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। ई रिक्शा व उसके चालक को भारी नुकसान हुआ, जिसमें चालक का एक पैर तो वहीं कटकर गिर गया। वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी इस हादसे में बुरी तरह घायल हुआ है। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि कार चालक की पहचान की जा सके। आज सुबह 8 मरला चौक पर हमारा एक एसपीओ ट्रैफिक वाला ड्यूटी पर तैनात था। एक एक्सीडेंट गाड़ी ने बड़ी स्पीड से आई, उसमें टक्कर मारी और वो काफ़ी फिसलता हुआ काफ़ी दूर तक गया। उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई, अभी भी वो अचेत अवस्था में है प्रेम हॉस्पिटल में। उसके हमने FIR उसके अगेंस्ट दर्ज कर ली और टीमें लगाई हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उस गाड़ी पर आइडेंटिफाई करें और जो उसमें चला रहा था उसको जल्दी गिरफ्तार करें। 8 मरले से गाड़ी आई, उसके बोनेट पे पुलिस वाला चढ़ा हुआ था, वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, भागने के चक्कर में वो आ गया, इसने रास्ता दिया गया, आगे रिक्शा वाला था इसको मार के वो निकल गया। पुलिस वाला उस तरफ पड़ा था, ये रिक्शा वाला यहाँ पे पड़ा था, टायर पैर कटा हुआ एक तरफ पड़ा था। हम पुलिस वाले को उठा के ले गए वहाँ पे, उसमें हॉस्पिटल में रविंद्रा में एडमिट करा हमने पुलिस वाला और उसको और ले गए थे। तो इसमें कोई सवारी भी बैठी थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।